आज मैं आई हूँ अपने दीदी के साथ ग्रीन पार्क घूमने, जो कि हमारे घर से समथिंग 12 किलोमीटर पड़ता है। और आज 1 जनवरी 2023 है, तो घूमना तो बनता ही है। और जो ये ग्रीन पार्क है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल है ऐसा मैंने सुना है, तो आज मैं देखने के लिए भी आ गई हूँ। तो हम चलते हैं आगे आगे। ये रहा इक्का ग्रीन ढाबा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है फॉर फूड। और यहाँ से थोड़े से आगे पड़ेगा आपको ग्रीन पार्क पिकनिक स्पॉट। तो आगे चल के देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ से आगे चल के देखते हैं आगे किधर से रास्ता पड़ेगा, मेरे को भी उतना नहीं पता, तो देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ मेरे वीडियो पे और देखिए। वो रहा मेन गेट ग्रीन पार्क पिकनिक स्पॉट का मेन गेट। और उसके बगल में लग तो रहा है वहीं टिकट मिल रहा होगा गेट पास, तो चल के देखते हैं। और यहाँ के ये छोटे छोटे पेड़ बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने के लिए। और इस साइड में बस्ती है, तो चलते हैं आगे चल के देखते हैं। अभी मैं ये दीदी से ले रही हूँ अपना ग्रीन पार्क पिकनिक स्पॉट का गेट पास, जो कि पर हेड पड़ेगा 15 रुपीज़ करके। और मैं और मेरी दीदी आई हूँ, तो दो का पड़ रहा है मुझको 30 रुपीज़। तो ये दीदी मुझको दे रही है। मैंने अपना टिकट ले लिया है और अभी हम चलेंगे अंदर, तो चलिए मेरे साथ। आई होप इस साल सभी का 1 जनवरी काफ़ी अच्छा रहेगा, जो कि संडे को पड़ रहा है, तो सबका घूमने का मन तो करेगा ही। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा पिकनिक स्पॉट भरा पड़ा हुआ है, चारों ओर पिकनिक खाने वाले ही हैं। और हम आगे आगे जैसे ही जा रहे, हमें साउंड सिस्टम का गाना बहुत सुनाई पड़ रहा है। और ये रहा ग्रीन पार्क का राहुल आइसक्रीम वाले का बोर्ड, जो कि मैंने कैप्चर कर ही लिया है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे भी देखते रहिए। यहाँ पानी पूरी का भी दुकान मुझको दिख रहा है, जो कि बहुत सारा लगा हुआ है लाइन से। और इधर देखिए बस और कार सब कितना भरा पड़ा हुआ है। और इधर बच्चों के लिए भी एक छोटा सा झूला लगाया हुआ है। और इससे आगे आपको मैं दिखाती हूँ हीलियम बैलून्स, जो कि हीलियम गैस से इसको फुलाया जाता है। और ये बैलून्स ये बस ऊपर की ओर ही उड़ता रहता है, क्योंकि हीलियम गैस काफ़ी हल्का होता है। और ये देखिए आगे, मैं आपको सब तरफ का नज़ारा दिखा रही हूँ। और इधर कितना भीड़ रहता है, ग्रीन पार्क काफ़ी फेमस हो चुका है, मुझे तो ऐसा लग रहा है अब हर कोई इधर ही आएंगे होंगे पिकनिक के लिए। देखिए कितना भीड़, मेरे पीछे भी देखिए बहुत ही भीड़ है। और हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, आगे जाके भी देखते हैं। पर की एक्शन। तो यहाँ सारे कोई एंजॉय कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। पार्क का नज़ारा तो आप सब कोई देख ही रहे हैं। एक तो आज 1 जनवरी का माहौल ही कुछ अलग है, देख लिए। और ये बहता हुआ नदी जो है, ये देख के तो और ही पिकनिक का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। ये बहता हुआ नदी और नदी के किनारे ये सारे पिकनिक वाले
भूल गई थी, मार्क्स उतारना भी तो है। तो मेरा ब्लॉग हो गया है, अभी हम लोग दीदी को उधर उधर ही ना, तो अभी थोड़ा सा हम लोग सामने की ओर जा रहे हैं, देखते हैं और क्या क्या है इधर। खाने का भी बहुत सारा ऑप्शन है, इधर पानी पूरी का शॉप है, इधर हुआ आइसक्रीम, चारों तरफ पिकनिक खाने वाले से भरती है। आपको एक बार कैमरा रोल करके दिखा दूंगी चारों तरफ कितना क्राउड है। हम लोग जस्ट घूमने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ का क्राउड देख के तो लग रहा है हम लोग को भी अब पिकनिक खाने के लिए आना ही पड़ेगा। इधर भी कुछ लोग हैं, ये थोड़ा अंदर पड़ता है, इधर थोड़ा सा आदमी सब कम है। मुझको तो इस साइड में लग रहा है कि हमारे जितने भी लोकल हैं वो लोकल पिकनिक इस साइड भी की जा रही होगी, और जितने भी बाहर से आए हैं वो सब हम मेरे बैक साइड में खा रहे होंगे। और इधर इस साइड में दारू पार्टी, इधर से थोड़ा बहुत शांति है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये रहा, तो अभी टाइम हो चुका है 1:30 और हम यहाँ से निकल रहे हैं, और अब हम लोग मार्केट की ओर थोड़ा सा जाएंगे। इधर का घूमना हो गया, इधर का नज़ारा देखना भी हो गया, तो ये कितना भी था, हम लोग चलते हैं। तो मैं इधर आई थी मेरी दीदी के साथ में अपनी स्कूटी पे, तो अब हो चुका है हम लोग का घूमना। चारों तरफ बहुत वैरायटीज वाला सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, एक साइड में सादरी सॉन्ग लगा हुआ है तो एक साइड में हिंदी सॉन्ग, कहीं इंग्लिश सॉन्ग भी बज रहा है। इधर सारा कोई अपना अपना गाना लेके बिजी है। इधर बच्चों के लिए भी बहुत कुछ मिलेगी, उनके लिए छोटे छोटे टॉयज भी हैं जो कि वो खरीद सकते हैं। ये रहा आइसक्रीम, फिर बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ टॉयज, ये रहा बच्चों के लिए टॉयज, और इधर रहा पानी पूरी का शॉप। और इसको देखने पर तो हमारी बचपन याद आ जाती है, बचपन में हम लोग भी इसके लिए बहुत रोया करते थे, तो पापा खरीद देते थे हम लोग के लिए। तो ये रहा, इधर भेलपूरी शॉप, पानीपूरी तो बहुत ही ज़्यादा है। आपके फ़ोटोशूट के लिए भी यहाँ पे अच्छा सा सिनारियो है, और इधर बच्चे के लिए झूला भी लगाया हुआ है छोटा सा, पहले तो बड़ा हुआ करता था लेकिन अब छोटा है। और ये कैंडी फ्लोर, बारी
मौसम हो और यहाँ भापा पीठा ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये रहा भापा पीठा का शौक। ये ग्रीन पार्क का मेन गेट है, यहाँ से आपको एंट्री लेना है और यहाँ से आप जैसे एंट्री लेंगे तो आगे रहा पिकनिक स्पॉट। हमारे ग्रीन पार्क का ये सबसे पुराना ढाबा इक्का ग्रीन ढाबा, जो कि अभी बहुत बदल चुका है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो चुका है, आपको दिखाती हूँ। ये क्रिसमस का डेकोरेशन है और ये सजावट बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे कॉटेज टाइप है जहाँ पे आप सेपरेटली अपना जो कुछ भी ऑर्डर किया हुआ है वो आप लोग खा सकते हैं। और इधर फोटो सेशन के लिए भी कुछ एरिया है बुक किया हुआ। इधर चारों तरफ देख रहे हैं आप ग्रीन ग्रीनरी, आज पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो हम लोग भी गए थे अंदर लेकिन हम लोग को सीट नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ खाना तो हुआ नहीं। तो अब हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से